रिथमेटिक्स के अंदर हम रिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे कि हम रिथमेटिक ऑपरेटर को मैटलैब के अंदर किस तरह यूज करते हैं। सिंबॉलिक कंपटीशन में हम सिंबॉलिक वेरिएबल्स को सीखेंगे कि वो किस तरह डिफाइन किए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इन सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस में हम देखेंगे कि सम टाइम हमें सिंबॉलिक वेरिएबल जो हमने डिफाइन किए हैं टू डिफाइन सिंबॉलिक कंपटीशन, हमें उनको न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ता है। एरर्स इन इनपुट में हम देखेंगे कि अगर हमने कमांड विंडो के अंदर कोई भी कमांड जो है वो टाइप किया है तो अगर उसमें एरर आ जाता है तो हम उसको किस तरह हैंडल करेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक्स को देख लेंगे। मैटलैब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को ऐसे ही डील करता है जैसे एक सिंपल कैलकुलेटर डील करता है। प्लस की जो कि कीबोर्ड के वो अवेलेबल है, इसको हम किसी भी टू वैल्यूज को तो सब्ट्रैक्शंस को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। डैश की को हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए और स्लैश की को हम यूज करेंगे डिवीजन के लिए और स्टैरिक की को हम यूज करेंगे फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए। और एक और की होती है कीबोर्ड के ऊपर जिसे हम कैरेट की कहते हैं, समटाइम उसे कैप की भी कहते हैं। उसको अगर हमने किसी भी नंबर से किसी भी एक्सप्रेशन की पावर लेनी है तो फिर हम उसको यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, आई मीन टू से कि जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इनको हम मैटलैब के अंदर किस तरह यूज करते हैं। अगर आप देखें तो हम आपके पास फोर विंडोज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। दो राइट मोस्ट के ऊपर आपके पास दो विंडोज हैं, वन इज वर्कस्पेस एंड अदर इज द कमांड हिस्ट्री। कमांड हिस्ट्री में आप जो भी कमांड कमांड विंडो के अंदर टाइप करेंगे वो यहाँ पे सेव होती जाएगी। जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट है उसमें हमारे पास आपने देखा होगा कि जो टाइटल है इस विंडो का वो है करंट फोल्डर। तो इसके अंदर अगर सपोज हम कोई वर्क करते हैं मैटलैब के अंदर और हम उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो इस फोल्डर के अंदर वो उसको सेव करेगा। और फिर हम इस फाइल को अगर दोबारा यूज करना चाहते हैं तो इसी फोल्डर से हम उसको उस फाइल को दोबारा यूज कर सकते हैं। ये जो आपके सामने फोर विंडोज है इसे हम मैटलैब का डेस्कटॉप भी कहते हैं। जब भी आप मैटलैब को ओपन करेंगे तो आप डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे तो वहां पे आप डेस्कटॉप लेआउट पे इसकी सेटिंग को डिफॉल्ट कर देंगे। जब आप इसकी सेटिंग को डिफॉल्ट सेट कर देंगे तो आपके पास ये फोर विंडोज अपीयर हो जाएंगे विच इज आल्सो कॉल्ड द डेस्कटॉप ऑफ द मैटलैब। इसमें जो सेंटर पे है वो कमांड विंडो है जहां पे हम अपनी इनपुट को टाइप करेंगे। कमांड विंडो को एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पे इस विंडो में क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा कि आपका ये जो टाइटल है इस विंडो का वो है कमांड विंडो, वो हाईलाइट हो गया है। जब कमांड विंडो रेडी होगी आप कोई भी इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा और ये प्रॉम्प्ट साइन आना शुरू हो जाएगा। आप अपनी कोई भी इनपुट इस प्रॉम्प्ट साइन पे बिल्कुल जहां पे ये प्रॉम्प्ट साइन अपीयर हो रहा होगा वहां पे आप अपने इनपुट्स को टाइप करेंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो की है प्लस हम उसे किस तरह यूज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को मैटलैब ऐसे ही डील करता है जैसे एक सिंपल कैलकुलेटर करता है, तो आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इसे लिखने में। सपोज मेरे पास टू नंबर्स हैं, वन इज टू एंड थ्री, एंड आई वांट टू ऐड देम, तो इसको मैं किस तरह ऐड करूंगा, टाइप टू एंड देन थ्री। देन इसकी आउटपुट को देखने के लिए आप इंटर की को प्रेस कर दें तो आपके पास इसकी आउटपुट जो है वो फाइव आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, मैटलैब ने 2 प्लस 3 की आउटपुट को एक वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर किया है। उस वेरिएबल का नाम बाय डिफॉल्ट जो मैटलैब ने रखा है वो रखा है आर्म्स। मैटलैब आपके हर आउटपुट को किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करेगी। तो मैटलैब की लैंग्वेज में हम आंस को एक वेरिएबल समझेंगे कि हमारा आंसर जो है एक वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर हो गया है। जब ये आंस को एक वेरिएबल के स्टोर करना चाहता है, अगर हम फाइव के साथ फर्दर कुछ कैलकुलेशंस या फर्दर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर और इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो अब हमें 2 प्लस 3 को लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें अपनी आउटपुट को लिखने की जरूरत है। हम सिंपल उस वेरिएबल को लिखेंगे तो हमारा वर्क जो है वो हमें आंसर मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 का स्क्वायर लेना चाहता हूं तो मैं सिंपली टाइप करूंगा प्रॉम्प्ट कमांड में आंस, देन कैरेट की को यूज करूंगा और स्क्वायर लिख दूंगा और देन आपके पास जो इसका आंसर है वो 25 आ गया। अगेन मैटलैब ने 25 को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है वो है आंस। अगर आप फर्दर जो है वो 5 का क्यूब लेना चाहते हैं तो क्या आंस टाइप करने के बाद अगर आप उसका क्यूब लेते हैं तो क्या वो 5 का क्यूब ही देगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होगा, मैटलैब जो आपके पास लास्ट वेरिएबल होगा उसके आंसर को जो है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका क्यूब लेता हूं तो ये 5 का क्यूब नहीं होगा, यू नो
फाइव का क्यूब नहीं है, ये 25 का क्यूब आ गया है. तो वेरिएबल जो है वो जो मैटलैब जो वेरिएबल जो है जिसको रीड करेगा वो आपका जो लास्ट मोस्ट वेरिएबल होगा उसको रीड करेगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम 5 को ही यूज करना चाहें आगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए. तो मैटलैब जो है वो हमें फ्रीडम देता है कि हम अपने वेरिएबल खुद से डिफाइन कर लें. मतलब मेन टू से हम कोई भी इनपुट लिखते हैं तो उसके वेरिएबल उसकी आउटपुट को हम किस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो वो हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं. अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे. सबसे पहले हम इस कमांड विंडो को क्लियर कर लेते हैं कि इसके अंदर जितनी भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट आई हैं ये क्लियर हो जाए. तो कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए सिंपली आप CLC को टाइप करेंगे और फिर इंटर की को प्रेस कर देंगे तो ये आपकी कमांड विंडो जो है वो क्लियर हो जाएगी. यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व कीजिएगा कि कमांड विंडो क्लियर होगी लेकिन कमांड हिस्ट्री के अंदर हमने जितना भी वर्क किया है वो सबका सब सेव है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2+3 जो सबसे पहले मैंने इनपुट टाइप की थी कमांड विंडो के अंदर, अगर मैं उसको दोबारा देखना चाहता हूँ कि वो मेरे पास क्या थी, तो सिंपली मैं कमांड हिस्ट्री में जाऊंगा और 2+3 को पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये वही जो कमांड मैंने इनपुट दी थी उस वो विद आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर देगा. तो ये कमांड विंडो का एक यूज है जो हमने अभी ऑब्जर्व किया कि कमांड हिस्ट्री किस तरह हमारी कमांड्स को जो है वो सेव करता जाता है. एनीहो हम वापस आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर. सपोज मैं एक वेरिएबल ए असाइन कर देता हूँ 2+3 को, तो अब ये जो आंसर सेव हुआ है ये वेरिएबल ए में सेव हुआ है. मैटलैब बाय डिफॉल्ट जिस वेरिएबल में हमारे आंसर को पहले सेव कर ली थी वो आंस था, लेकिन अब हमने वेरिएबल को खुद से डिफाइन कर दिया तो हमारा ये जो अब आंसर है इस इनपुट का वो वेरिएबल ए के अंदर स्टोर होगा. सिंपल अगर हम कुछ फर्दर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, फॉर 2-3, अब इस 2-3 की आउटपुट को एक वेरिएबल बी के अंदर स्टोर कर दिया गया है. सिमिलरली अगर फर्दर 2+3 एंड अगर हम उसका स्क्वायर लें तो वो यहाँ पे सेव हो गया सी के अंदर. अब इन वेरिएबल्स को मैं अपनी नीड के मुताबिक जहां भी यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे वो रिक्वायर्ड इनपुट ही देगा जो मैं चाहूंगा. सपोज मैं अगर इसी इनपुट का अगर मैं क्यूब लेना चाहता हूँ तो सिंपली मैं ए टाइप करके कैरेट की यूज करूंगा और देन इंटर की को प्रेस करूंगा तो मेरे पास इसी का क्यूब आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इस इनपुट वेरिएबल के ऊपर कोई वर्क करना चाहता हूं तो सिंपली मैं बी को लिख दूंगा तो मेरे पास वो उसका वो आउटपुट जो है वो इसके अंदर आ जाएगी. तो ये वेरिएबल को जब हम डिफाइन कर लें तो फिर हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम उस वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉज एंड साइन, उनके यूज को देखते हैं कि अगर हम उनका कोई भी आर्गुमेंट जो है कॉज की किसी भी आर्गुमेंट के ऊपर वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहें तो हम किस तरह कर सकते हैं. सिंपली कॉज लिखेंगे हम एंड वन, ये कॉज वन की वैल्यू जो है वो हमें दे देगा. लेकिन अगर हम इसे किसी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो बेटर होगा कि हम इसे किसी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लें ताकि अगर हम फर्दर उसका यूज करना चाहें तो हम यूज कर पाए कॉज वन. यहाँ पे एक चीज क्लियरली देखिएगा कि आपको जो मैटलैब जो कमांड विंडो में जब आप कोई भी अपनी इनपुट को टाइप करेंगे तो डेफिनेटली कोई आउटपुट आएगी. तो मैटलैब जो बाय डिफॉल्ट है वो 5 digits में आंसर को डिस्प्ले करता है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर पाई है जो कि इरेशनल नंबर है, यू नो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मैटलैब ने बाय डिफॉल्ट की वो 5 digits तक इसके आंसर को डिस्प्ले किया. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आंसर को ज्यादा डिजिट्स तक ऑब्जर्व कर सके तो मैटलैब हमें ये फ्रीडम देता है कि हम इसके आंसर को अप टू 15 डिजिट्स तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी चेक कर सकते हैं. उसके लिए सिंपली आपको एक फॉर्मेट लॉन्ग पहले टाइप करना पड़ेगा, देन अगर आप पाई की वैल्यूज को देखेंगे तो आपके पास ये जो अप्रोक्सीमेशन है अप टू 15 डिजिट्स तक एग्जैक्ट एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन जो है वो इसने शो कर दी गई है. अगर आप वापस 5 digits तक ही अपने आंसर को देखना चाहते हैं तो आप सिंपल फॉर्मेट शॉर्ट कोड टाइप कर दें कमांड विंडो के अंदर और देन पाई के वैल्यूज को देखें तो आपको वो सिंपल उसने बाय डिफॉल्ट 5 digits तक आंसर दे दिया है. तो जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे, मेन जहां पे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हमें फॉर्मेट लॉन्ग कमांड की जो है काफी जरूरत पड़ेगी टू ऑब्जर्व द एक्यूरेसी इन आवर सॉल्यूशन. अब कमांड विंडो को हम फर्दर क्लियर करते हैं. कुछ फर्दर
प्रैक्टिस करने के लिए सिंपली टाइप सीएलसी एंड देन प्रेस इंटर की इट विल क्लियर। तो अभी हमने जो ऑब्जर्व किया कि हमने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस को लिखा, अब एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकेंगे कि किस तरह कमांड विंडो में हमने उसे टाइप करना है और उन्हें फिर एग्जीक्यूट करना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ डिस्कशन की, हमने उसका यूज़ कमांड विंडो में ऑब्जर्व किया। अब हम सिंबॉलिक कंप्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस को डिस्कस करने से पहले, अगर आप कोई भी सिंबॉलिक कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं कमांड विंडो के अंदर, तो पहले आप मेक श्योर कर लें क्या सिंबॉलिक टूल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल है आपकी मैटलैब में या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसे जिस तरह दूसरे पैकेजेस को इंस्टॉल किया आपने मैटलैब के अंदर, उसी तरह आप सिंबॉलिक टूल बॉक्स को भी आप इंस्टॉल करेंगे। अब ये किस तरह पता चलेगा कि आपके सिस्टम में सिंबॉलिक टूल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, उसके लिए कमांड विंडो को एक्टिव करें। इसमें क्लिक करने के लिए तो यहाँ पे आप टाइप कर दें हेल्प सिंबॉलिक, फिर इंटर प्रेस कर दें। तो जब आप इसे प्रेस करेंगे तो आपके कमांड विंडो में इसको जो डेस्कटॉप है आपका वो इस तरह का शो होगा। तो कमांड विंडो के अंदर ये सारी कमांड शो हो रही होंगी, जिसमें ये कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को, इंटीग्रेशन को, ये लेमर्स को, और ये कमांड टेलर सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली तो अगर ये नहीं शो होता तो इट्स मीन के आपके जो मैटलैब है उसमें सिम्बॉलिक टूल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल नहीं है टू परफॉर्म द सिम्बॉलिक कैलकुलेशन। तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा इस पैकेज को, क्योंकि इस पैकेज को इंस्टॉल किए बगैर आप सिंबॉलिक कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। सीएलसी सिंपली टाइप करें और कमांड विंडो को क्लियर कर दें। अब सिंबॉलिक कंप्यूटेशन में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिंबॉलिक नंबर्स को, किस तरह सिंबॉलिक नंबर्स को क्रिएट किया जा सकता है। रिमेंबर मैटलैब जो है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट द आंसर इन ए फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक्स में। तो बीइंग अ स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स यू विल बी वेरी मच फैमिलियर विद द टर्म फ्लोटिंग पॉइंट। बट जो अगर हम सिम्बॉल नंबर्स को एज ए सिम्बॉलिक डिफाइन कर लें मैटलैब के अंदर, तो मैटलैब जो है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 2/3 को आंसर को चेक करें तो ये 0.667 है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ रैशनल नंबर्स की। लेकिन अगर आप इसकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, इसकी रैशनल रिप्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं, तो अगर आप इसको डिफाइन कर लें सिम 2/3 एंड देन प्रेस इंटर की, तो आप देखें ये इसकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो सिम सिंटैक्स को हम यूज़ करते हैं सिम नंबर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे अगर हम कॉस, साइन और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक एक्सपोनेंशियल, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, तो यूजिंग सिम कमांड हमें जो है आंसर है वो एग्जैक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आपके पास एक नंबर है पाए, ठीक है, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप साइन की वैल्यूज़ पाए पे चेक करें तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो फ्लोटिंग पॉइंट की फॉर्म में मिलेगा, यानी ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है साइन पाए की। बट वी नो दैट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन पाए इज रियली इक्वल टू 0। तो अगर आपने साइन पाए की एग्जैक्ट वैल्यू को देखना है कि इसका आंसर 0 किस तरह आता है, तो आपको सबसे पहले पाए को एज ए सिम्बॉलिक डिफाइन करना पड़ेगा। वो किस तरह होगा? फॉर एग्जाम्पल साइन एंड देन use sim syntax and write pi and then press enter key, you will see that the answer of sin pi is equal to 0. तो अब इन दोनों syntax का comparison कर सकते हैं। अगर आप sin pi की value without converting the pi into symbolic very numbers, अगर आप इसकी values find out करेंगे तो आपको ये decimal representation देगा, not exact आंसर देगा। लेकिन अगर आप मैटलैब को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि आप पाए को एज ए सिंबॉलिक नंबर डील करें, तो आपके पास जो है वो फिर एग्जैक्ट आंसर दे देगा। सिमिलरली आपने कॉस पाए ओवर 2 की वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं। कॉस पाए ओवर 2 की वैल्यूज़ आपको पता है डेफिनेटली इक्वल टू 0 है, बट यहाँ इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैटलैब ने शो कर दी है। लेकिन अगर आप पाए मैटलैब को इंस्ट्रक्ट कर दें कि आप पाए बाई 2 को एज ए सिंबॉलिक नंबर कंसिडर करें, तो फिर देखें कि आपके पास जो वैल्यू है कॉस पाई बाई 2 की वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ जाएगी। सिंबॉलिक वेरिएबल से किस तरह हमने कन्वर्ट करना है, इट्स वेरी सिंपल। कॉस देन टाइप सिम एंड देन पाई ओवर 2 एंड यू विल सी एंड प्रेस इंटर की, यू विल सी द आंसर इज इक्वल टू 0। तो जो सिंबल, सो वी ऑब्जर्व दैट सिंबॉलिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन एग्जैक्ट फॉर्म वाइल फ्लोटिंग पॉइंट इज इन
डेसिमल अप्रोक्सीमेशन, तो फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो डेसिमल अप्रोक्सीमेशन देगा, और जो हमारे पास सिम्बॉलिक कन्वर्शन नंबर की वो हमें एग्जैक्ट आंसर देगा। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा जो वर्क स्पेस में देखें है, जो हमने नंबर एज ए सिम्बॉलिक डील किए थे, ये उसे एज ए सिम्बॉलिक सेव किया जा रहा है, और कमांड हिस्ट्री के अंदर जो जो कमांड्स हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी यहाँ पे एज सच सेव है। अब हम देखते हैं कि सिम्बॉलिक वेरिएबल्स किस तरह डिफाइंड होते हैं, उसके लिए कौन सा सिंटैक्स यूज़ होता है, कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ वेरिएबल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई रेज टू पावर स्क्वायर, तो अनडिफाइंड मैटलैब एक्सप्रेशंस आई मीन दिस गिव्स एरर, तो हम इसे अगेन टाइप करते हैं। एक्चुअली हमने जो कैरेट की थी उसको यूज़ नहीं किया था तो एरर दिया। अब यहाँ पे देखें कि उसने अनडिफाइंड फंक्शन वेरिएबल एक्स, उसने वेरिएबल एक्स को आपने डिफाइंड नहीं किया यहाँ पे, तो वेरिएबल एक्स को वो क्या डील करे, कि वेदर वो वेरिएबल एक्स को कोई न्यूमेरिकल नंबर ट्रीट करे या उसे एज ए वेरिएबल ट्रीट करे, तो हमें ये मैटलैब को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर दिस वी हैव टू डिफाइन एक्स एंड वाई एज अ सिम्बॉलिक वेरिएबल्स, अगर हम इनको कोई फिक्स वैल्यू नहीं देना चाहते तो हमें एक्स और वाई को एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। अब इनको हम सिम्बॉलिक वेरिएबल किस तरह डिफाइन करेंगे, उसके लिए जो सिंटैक्स है वो हमारे पास है एस वाई एम एस एक्स एंड वाई। यूजिंग दिस सिंटैक्स हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एक ही कमांड्स के अंदर एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ही कमांड लिखी सिम्स एक्स, तो मुझे अलहदा से सिम्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं स्पेस बार की जो है वो प्रेस करूँगा और वाई को भी एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल कर दूंगा। अब ये होगी, अब मैंने इसको एडिट करना है, तो किस तरह एडिट करूँगा, तो उसके लिए की बोर्ड के ऊपर एक अप एरो की है, उसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, आपको इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अप एरो की यूज़ करें की बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ से जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कमांड हिस्ट्री के अंदर सेव है, तो जब आप एरो अप एरो की यूज़ करेंगे तो ये वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन को यहाँ से उठा के यहाँ पे रीडिस्प्ले कर देगा। अब आप इसे करेंगे तो ये आपको, अब इसने एरर नहीं दिया, एरर क्या था अनडिफाइंड फंक्शन वेरिएबल एक्स, बट देर हम एक्स और वाई को एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल्स डिफाइन कर चुके हैं, तो देन ये हमें ये आंसर दे देगा। अब हम अगर इसको एक्सपैंड करना चाहें, एक्स प्लस वाई स्क्वायर की एक्सपेंशन को देखना चाहें, फर्दर इसके ऊपर हम कोई कमांड्स अप्लाई करना चाहें, तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो एक्स प्लस वाई स्क्वायर की जो एक्सपेंशन है वो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक फार्मूला से होती है, लेकिन मैटलैब जो है वो इसको एग्जैक्टली जो है वो शो कर देगा। अगर एक्स एक्सपैंड कमांड मैं यूज़ करूँ, और डेफिनेटली ये जो आंसर है ये वेरिएबल आंस में सेव हुआ है, तो मैं यहाँ पे आंस लिखूँगा, तो उसने एक्स प्लस वाई स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया। अगर मैं इसे मज़ीद फैक्टर करना चाहता हूँ, इसे फैक्टराइज करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली ये फैक्टराइज भी हो जाएगा, फैक्टराइज देन लास्ट कमांड्स को अगर चेक करें तो इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो अगेन इसने फैक्टराइज, डेफिनेटली इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो ये x प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगी, तो ये आ जाएगी। तो वेरिएबल्स को जब हम एज ए सिम्बॉलिक जब हम डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक हम मैटलैब को इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे कि हमारे वेरिएबल को अब किस तरह डील करना चाहते हैं, तो वेदर आप उसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं या आप उसकी जनरल फॉर्म को देखना चाहते हैं, तो जब आप उसकी जनरलाइज फॉर्म को देखना चाहते हैं तो देन डेफिनेटली आपको उन वेरिएबल मैटलैब को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आप इसे एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल्स ही डील करें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सिम्बॉलिक एक्सप्रेशंस हैं उसे हमने किस तरह डिफाइन करना है। अभी हमने वेरिएबल्स एक्स और वाई को देखा, फिर उन सिम्बॉलिक एक्सप्रेशंस को क्या हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम उसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं तो हम उसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहले हम कमांड विंडो को क्लियर कर देते हैं बाय सिंपली टाइपिंग सी एल सी एंड देन प्रेस द एंटर की, तो कमांड विंडो क्लियर हो जाएगी। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इसे एज ए सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन में अगर कन्वर्ट कर देता हूँ, जो इसकी सिम्बॉलिक क्रिएशन है वो किस तरह होगी। लेट्स सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा कि आपके पास एक कांस्टेंट ए या एक बी या सी या और एक्स एज ए वेरिएबल है, अगर इन सबको मैं एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर दूँ, मीन एस वाई एम ए बी एंड देन से एंड देन एक्स, तो अब मैंने इसको एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया। वर्क स्पेस के अंदर अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें तो ए बी सी और एक्स को
जो ये जो वेरिएबल्स हैं इन इन वेरिएबल्स को ए बी सी और एक्स वैल्यू असाइन हो चुकी है. आई मीन ये वेरिएबल जहाँ जहाँ पे भी अपीयर होंगे तो इनको ए बी सी और एक्स वैल्यू ही असाइन होगी. तो वर्क स्पेस के अंदर हम वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए वेरिएबल को वैल्यू ए असाइन हुई है, बी वेरिएबल को वैल्यू बी असाइन हुई है, सी वेरिएबल को वैल्यू सी असाइन हुई है और एक्स वेरिएबल को वैल्यू एक्स असाइन की गई है. तो सपोज अगर दिस इज एफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिखता हूँ ए इंटू एक्स देन टेक द स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन थ्रो प्लस बी एंड स्टैटिक साइन फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड देन एट देन टाइप एक्स एंड देन एट द एंड टाइप सी. यू सी ये अब इसकी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. अब इसको इसके सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन को जो लिख दिया गया है इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, तो इसको हम फर्दर चेक किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर इस सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन के ऊपर अगर मैं इस पूरी सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर लेना चाहूँ, इसका क्यूब लेना चाहूँ और फिर इन स्क्वायर और क्यूब को मैं ऐड और माइनस करना चाहूँ, तो मुझे इन एक्सप्रेशन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फॉर एग्जाम्पल एफ स्क्वायर एंड माइनस एफ एंड क्यूब प्लस 10. तो ये क्योंकि ये एज ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अलजेब्रिक इक्वेशंस की हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है. ठीक है, अगर मैं इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन करना चाहूँ तो सिंपली मैं इस सिंप्लीफाई कमांड को यूज़ करूँगा और पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि ये पूरी का पूरा आंसर जो है वो आंस वेरिएबल में स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे मैं आंस को टाइप कर दूंगा और इंटर की को प्रेस करूंगा तो इसकी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन आ गई. मैटलैब जो इसे सिंप्लीफाई करेगा ये जो कमांड है तो ये इसकी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन देगी, बट अगर आप इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं तो आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो बाई डिफॉल्ट जितनी पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन उसकी हो सकेगी मैटलैब जो है वो सिंप्लीफाई कमांड से किसी भी एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन कर देगा. तो इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आपको मैटलैब को बताना पड़ेगा कौन कौन सी टर्म्स को आपने किस किस तरह रीअरेंज करना है. तो अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप फैक्टर टाइप करें और वेरिएबल आंस टाइप करें तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंटेशन इसकी शो हो जाएगी. तो मतलब जब आप बहुत सी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन आपको करनी पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई स्क्वायर वेरी सिंपल टू फैक्टराइज, एक्स प्लस वाई क्यूब वेरी सिंपल टू फैक्टराइज, बट एक्स प्लस वाई 10 इट्स नॉट ईजी टू फैक्टराइज एक्स प्लस वाई रेज़ टू पावर 10. फॉर दिस यू हैव टू कन्वर्ट योर एक्सप्रेशन इन टू अ सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन. फर्दर हम इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई एंड रेज़ टू पावर 10 अगर हम इसको दिखते हैं तो ये अब यहाँ पे इसने एरर नहीं दिया कमांड विंडो ने, मैंने इसको एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल ट्रीट नहीं किया तो इसने एरर. द रीज़न इज़ दैट के वर्क स्पेस के अंदर एक्स और वाई को मैं ऑलरेडी एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर चुका हूँ. जब तक मैं अपनी वर्क स्पेस को क्लियर नहीं करूँगा एक्स और वाई, अब मैं कमांड विंडो के अंदर जब भी लिखूंगा तो इसे एज ए वो सिम्बॉलिक वेरिएबल ही ट्रीट करेगा, क्योंकि वर्क स्पेस में वो वेरिएबल ऑलरेडी इस तरह डिफाइन कर दिए गए हैं. तो ये एक यूज़ आपने ऑब्जर्व किया वर्क स्पेस का. अगर मैं एक्स और वाई को सिम्बॉलिक नहीं देखना पड़ता चाहता तो मुझे वर्क स्पेस को क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके लिए जो हमारे पास कमांड यूज़ होती है वो है क्लियर आल. जब आप क्लियर आल कर देंगे तो आपकी वर्क स्पेस, आपने देखा इसमें से जितने भी वेरिएबल एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल स्टोर हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास अपीयर नहीं हो रहे. अब वो एक्स और वाई को एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल ट्रीट नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एरो की प्रेस करते हैं तो अब x प्लस वाई रेज़ टू पावर 10 जो है वो कह रहा है कि x को डिफाइन करें, बट यहाँ पे तो उसने इसको शो कर दिया गया था. रीज़न ये थी कि हमने x और y को ऑलरेडी सिम्बॉलिक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था जो कि वर्क स्पेस विंडो के अंदर स्टोर था. बट अगर मैं इसे देखना चाहता हूँ तो मुझे इसे रीडिफाइन करना पड़ेगा एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल्स एंड आप इंटर करें एरो अप की जो है उसको यूज़ करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को वो यहाँ पे रीडिस्प्ले कर देगा. प्रेस इंटर करें तो अब ये हमारे पास इसने एरर शो नहीं किया कि आप वेरिएबल को डिफाइन करें, बल्कि क्योंकि वर्क स्पेस के अंदर एक्स और वाई वेरिएबल्स को ऑलरेडी जो वैल्यू असाइन हो चुकी है वो एक्स और वाई असाइन हो चुकी है, तो सो मैटलैब अब इसको रीड करेगा एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल्स. अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इसकी एक्सपैंड आंस, तो ये इसकी एक्सपेंशन आ गया. आपने देखा बाई हैंड इसकी एक्सपेंशन करना डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन अगर आप ऐसे एज इसे सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसकी एक्सपेंशन देखते हैं तो आप इजीली इसे एक्सपेंड कर सकते हैं.
इसके वो फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय सिंप्लीफाइंग कमांड यूज़ करके मैटलैब की। तो इसकी जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है जो मैटलैब ने वो इसकी ये पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है जो मैटलैब ने इसकी कर दी है। तो ये हमने थोड़ा सा देखा कि हमने नंबर्स को किस तरह नंबर को एज ए सिम्बॉलिक नंबर्स ट्रीट किया यूजिंग SYM सिम सिंटैक्स। फिर हमने वेरिएबल्स को और फिर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने देखा कि उसके हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। कुछ हमने प्रैक्टिसेस की। अब आप कुछ प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आई तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू आस्क फ्रॉम मी, तो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो हम इसको फर्दर जो है वो क्लियर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नो आई डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ लेक्चर नंबर 2 विच इज़ एरर्स इन इनपुट। नेचुरली वाइल यूजिंग एनी मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम वी आर बाउंड टू इनकाउंटर माइनर ग्लिचेस। इवन while entering simple arithmetic commands we may accidentally mistype an entry or violate a MATLAB rule. So in this part we discuss how to handle these types of mistakes which are in fact not considered to be minor. For example, suppose we type 2a, then MATLAB prints an error message and note that MATLAB always places a marker or a vertical line segment where it thinks the error might be. So the error is unexpected MATLAB expressions. No, we see what's the error is there. Look at that, here we write 2a. It means that MATLAB is not understanding whether a is adding in 2 or a is subtracting from 2 or a is divisible by 2. MATLAB is not understanding there. So we have to instruct to MATLAB what we really want. Suppose we want to multiply 2 with a, then MATLAB prints the answer 2a. So we have to MATLAB ko instruct karna padega ki hum actually desire kya hai hamari, hum kya chahte hai. MATLAB ye to simple arithmetic error hai na. Sometime kuch complicated errors ho jate hain, उनको हमने हैंडल करना होता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को, जहाँ पे हम लूप्स को डिस्कस करेंगे और प्रोग्रामिंग्स को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ एरर्स आते हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर अभी यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्री एरर्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट इज दैट सपोज आई राइट एक्स प्लस वाई, देन MATLAB prints the अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल एक्स। MATLAB यहाँ अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि हम क्या चाहते हैं, तो हमें x और y को या तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। सपोज x को हम 1 करते हैं एंड y को हम 1 करते हैं और देन x प्लस y द आंसर इज 2। और अदरवाइज अगर हम इस स्टेटमेंट को जनरल रखना चाहते हैं, सपोज हम इसे एज ए सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन ट्रीट करना चाहते हैं, तो हमें इसको एज ए सिम्बॉलिक डिफाइन करना पड़ेगा एंड देन x प्लस y डिपर। तो ये हमारे पास एक सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन आ गई। सिमिलरली अगर हम कोई वैल्यू सब्सिट्यूट करना चाहते हैं, हम इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हम टाइप करते हैं तो अनडिफाइंड फंक्शन और मेथड एक्सपेंड। MATLAB इस कमांड को रीड नहीं कर रहा, ये कमांड क्या है। एक्चुअली हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि एक्सपेंड के जो स्पेल हैं जो MATLAB की बाई डिफॉल्ट कमांड है वो हमने करेक्ट नहीं लिखे, तो रीज़न इज डैट हमें इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। रीज़न ये अब क्वेश्चन इज डैट कि जब कोई एरर अपीयर हो जाए तो क्या हम उस स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन लिखेंगे। ऐसा नहीं है, आप उसी स्टेटमेंट को जिसमें एरर आ रहा है आप उसे एडिट कर सकते हैं। अब इसे एडिट किस तरह करना है, आपने आपके कीबोर्ड के ऊपर अप एरो की है उसे यूज़ करेंगे तो वो आपकी जो प्रीवियस कमांड है जिसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं उसको रीप्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पर इसे रीप्रिंट कर दिया गया और मैंने इसे एडिट कर दिया, एडिट करने के बाद इंटर की को प्रेस किया तो वो मेरे पास वो आंसर आ गया। सिमिलरली आप कोई भी कमांड जरिए एडिट कर सकते हैं, सिंपली प्रेस अप एरो की देन नो। हम इसको क्लियर करते हैं। अब हम देखते हैं कि और किस तरह के एरर आ सकते हैं। सपोज हम साइन की वैल्यू 10 के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल साइन 10 MATLAB इसे रीड नहीं कर रहा। तो आर्गूमेंट को जब भी हमने लिखना है हमने उसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपने MATLAB को बताना है कि किस आप एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि MATLAB आपको गाइड करता जाएगा कि अगर आपको कहीं एरर आया है तो MATLAB बीप करेगा और आपका जो एरर है उसे आपकी कमांड विंडो में
प्रिंट कर देगा, तो वहां से आपको कुछ गेस हो जाएगा कि आपका एरर जो है वो एक्चुअली है क्या। सिमिलरली अगर आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेम बस एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई एंड रेज टू पावर 10 एंड देन यू सी दिस इज आंसर एंड यू वॉन्ट टू सी द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बट बिफोर सीइंग द सिंप्लीफिकेशन आप इसको एक्सपैंड कर लें एक्सपैंड कमांड से, तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सपोज आप जैसे आंस सिंप्लीफाई, तो मैटलैब ने आपको एक एरर दिया, कुड नॉट फाइंड एन एग्जैक्ट केस सेंसिटिव मैच फॉर सिंप्लीफाई। आपने ये जो कमांड लिखी है ये आपने कमांड जो है इसके अंदर मिस्टेक है, आप तो मैटलैब इसे रीड नहीं कर पाया। अब आप इसमें मिस्टेक्स देखेंगे क्या है, आप एरो की को प्रेस करें तो ये वाली कमांड रीप्रिंट हो जाएगी यहाँ पर, आप इसे एडिट कर सकते हैं यूजिंग लेफ्ट एरो की। तो आपने देखा कि सिंप्लीफाई में मैंने वाई जो है वो कैपिटल लिख दिया, तो अब ने इसने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। सो मैटलैब की जो एग्जैक्ट कमांड है उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, अगर ये आइडिया नहीं है तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, मैटलैब की हेल्प के अंदर देख सकते हैं, ये मैटलैब की हेल्प है, यहाँ से आप एग्जैक्ट देख सकते हैं कि आपकी कमांड एग्जैक्टली है क्या। सिमिलरली अगर आप कुछ और एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करें, फॉर एग्जाम्पल आप EX10 लिखना चाहते हैं, मैटलैब ई को रीड नहीं कर पाया एक्चुअली क्या है, एक्चुअली हम यहाँ लिखना चाह रहे थे ई रेज टू पावर 10, तो आप उसके लिए इसको एडिट कर लें, एरो की यूज़ करें आप, और अब ये एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर 10 को उसने आंसर को डिस्प्ले कर दिया। इस आंसर्स को आप ज़्यादा डिजिट्स के लिए भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आंस अप टू 30, तो ये 30 डिजिट्स में भी आंसर को वी पी ए कमांड यूज़ करके आप आंसर को डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर्मेट ले लॉन्ग में आप अप्रॉक्सीमेटली 15 डिजिट्स तक आंसर को देख सकते हैं, लेकिन अगर वी पी ए कमांड आप यूज़ करें तो आप इसे अप टू 30 या 30 से आप ज़्यादा भी देख सकते हैं, सपोज अप टू 50 देखना हो तो ये आपके पास इस तरह अप टू 50 डिजिट्स तक उसने आंसर को डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमारे कुछ एरर्स हो गए कि हमने इनपुट्स अगर हमने देते हैं तो उसमें किस तरह के एरर्स आते हैं, हमने उसको किस तरह हैंडल करना है। तो आप ये आपकी जो कैपेबिलिटी है एरर्स को हैंडल करने की, ये आपकी मैटलैब के साथ आपका जितना इंटरेक्शन होगा, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को आप इसमें स्टडी करेंगे, तो ये आपके पास जो है वो आप उतने ही इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। एक दो एग्जांपल्स और हम देखते हैं, सपोज हम सिम्बॉलिक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और हम एक सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर लेते हैं, यू एक्स रेज टू पावर 10 एंड प्लस 5। अगर ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आ गई, आप सब्स्टिट्यूशन कमांड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगर यू लिखते हैं और एक्स की जगह पे आप 3 रिप्लेस करते हैं तो ये एरर दे दिएगा, अनएक्सपेक्टेड मैटलैब एक्सप्रेशन द रीज़न। अब देखते हैं कि हम इस कमांड के अंदर, इस सिंटैक्स के अंदर हमारे पास हम कौन सा एरर है, कौन सी चीज़ मिसिंग है जो हम नहीं लिख पा रहे। तो एरो की यूज़ करें और फिर लेफ्ट एरो की एडिट करें। हम देखा यहाँ पे हमने कॉमे को यूज़ नहीं किया जो कि मैटलैब का सिंटैक्स है, हमें इसे ओबे करना पड़ेगा, देन आप इंटर करेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली आउटपुट दे देगा। सिमिलरली आपके पास और कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्केयर रूट ऑफ 2 देखना चाहते हैं तो अगर आप लिखते हैं तो ये आपका अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल, द रीज़न इज दैट के हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स को यूज़, यहाँ पे फिर हमने इसके स्पेल्स को गलत लिखा, तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये अगर हम इसको और डिजिट्स तक देखना चाहते हैं तो वी पी ए कमांड यूज़ कर लें आप आंसर एंड देन अप टू 30 डिजिट्स तक हम इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ये 2 स्क्वायर रूट को उसने कैलकुलेट कर दिया, यू नो इट्स अ इरेशनल नंबर, तो उसने इसको और अप टू 30 डिजिट्स तक जो अप्रॉक्सीमेशन है 2 स्क्वायर रूट की वो दे। तो इस तरह आपने स्मॉल एरर्स को इस तरह हैंडल करना है। समटाइम सिंटैक्स की मिस्टेक हो सकती है, समटाइम आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर इंसर्ट नहीं किया होगा, समटाइम आपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स नहीं लिखी होगी, समटाइम आपने सिंटैक्स गलत लिख दिया होगा, समटाइम आपने उसमें कॉमा वगैरह नहीं लगाया होगा, तो सिंटैक्स की मिस्टेक यूजुअली हो जाती है, लेकिन विद एज आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप इसमें एक्सपर्टीज जो है वो गेन करते जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया, उसकी कुछ एग्जांपल्स को हमने देखा, फिर उसकी वर्किंग हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैटलैब कमांड्स लाइक एक्सपेंड फैक्टर एंड सिंप्लीफाई को यूज़ करके हमने उसकी वर्किंग को चेक किया। बट समटाइम जब हम सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं
तो हमें उस एक्सप्रेशंस के अंदर जो सिंबॉलिक वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए होते हैं उनको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ता है, या हमें उनको किसी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से ही रिप्लेस करना पड़ता है। तो जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए कि हमने उनको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए मैटलैब हमें एक बाई डिफ़ॉल्ट कमांड देता है, उसे सब्सिट्यूट कहते हैं। मीन उसका जो सिंटेक्स होगा वो हमारे पास होगा SUBS। अभी हम इस कमांड को देखेंगे कि कमांड विंडो के अंदर जब हम इस कमांड को टाइप करेंगे तो ये कमांड किस तरह वर्क करती है, तो वो हम चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारी जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है अगर उसमें एक सिंगल वेरिएबल को हमने रिप्लेस करना है किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से या सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से, तो सिंटेक्स किस तरह वर्क करेगा। क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमारी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स हैं, क्या उन दोनों वेरिएबल्स को किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया जा सकता है? येस, इट इज़ पॉसिबल। हम ये भी चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या अगर हमारी एक्सप्रेशन में मल्टीपल सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम उसको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस कर सकें? अगर पॉसिबल है तो फिर सिंटेक्स क्या होगा, हम वो चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई स्केलर्स अपीयर हो, क्या हम उसे किसी मैट्रिक्स अरे से रिप्लेस कर सकते हैं? यस, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हम इस सब्स्टिट्यूशन कमांड की वर्किंग को मैटलैब के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। कमांड विंडो को मैं क्लिक करें और इसको एक्टिव करें, तो जब कमांड विंडो एक्टिव होगी तो डेफिनेटली अब आप फेमिलियर होंगे कि आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर लें। सपोज हमारे पास सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है एक्स, उसमें सिंबॉलिक वेरिएबल एक्स और वाई है, एंड सपोज उस हम एक वेरिएबल यू है उससे उस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज इट इज़ एक्स स्क्वायर एन प्लस वाई एन प्लस 10, इंटरप्रेस करें तो ये जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है ये वेरिएबल यू के अंदर जो है वो स्टोर हो गई है। अब हम अगर एक्स को की जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल वो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, हम 2 से रिप्लेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक्स की जगह पे जो है जो सिंबॉलिक वेरिएबल एक्स है उसको वैल्यू 2 असाइन हो जाए, तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन कमांड को यूज़ करेंगे। उसका सिंटैक्स इस तरह होगा, सब्स्टिट्यूट देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स एंड देन एक्सप्रेशन नेम, आपने उस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को किससे वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो यू है, अब आपने रिप्लेस किस वेरिएबल को करना है उसको एक्स लिख लें, अब जिस वैल्यू से रिप्लेस करना है अब वो टाइप करें और प्रेस कर दें अब इंटर की को, तो वाई प्लस 14 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। सिमिलरली हम रिप्लेस कर सकते हैं वेरिएबल वाई को भी सब्स्टिट्यूशन, एंड सपोज हमने उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है उस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को यू से, पहले हम वो लिखेंगे देन वाई, एंड देन अगर हम वाई की जगह पे 3, वाई को 3 से रिप्लेस करना चाहते हैं तो देन तो सिंटैक्स इस तरह लिखा जाएगा। अब प्रेस कर दें इंटर की को तो आपके पास ये इसका आउटपुट जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर सिंगल वेरिएबल को किस तरह रिप्लेस किया जाता है, उसके लिए जो मैटलैब का सिंटैक्स है वो क्या होता है और वो वर्क किस तरह करता है। अब ये जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है सिंबॉलिक, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, क्या हम दोनों वेरिएबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन है कि अभी हमने एक्स और वाई को, दोनों जो सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं हमारे, उनको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस किया, क्या हम इनको किसी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं? तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स किस तरह लिखा जाएगा हम अभी वो देखते हैं। सब्स्टिट्यूट, सपोज यू हमारी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है एंड एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं किया, न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह पे एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ही रिप्लेस कर दी, तो इंटर की करें तो हम आउटपुट देखें तो ये हमारे पास आउटपुट ये आ जाती है। अब अगर आप इस आउटपुट को फर्दर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप कोई भी आप एक्सपेंड कमांड यूज़ करें जो बाई डिफ़ॉल्ट मैटलैब के अंदर है, तो ये इसे एक्सपेंड कर देगा। सिमिलरली आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी हमने एक्स को रिप्लेस किया, क्या वाई को भी किसी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया जा सकता है? यस, पॉसिबल, सेम सिंटेक्स है, सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशंस जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है उसे रिप्रेजेंट किया यू से, वो लिखें देन वाई एंड देन वाई प्लस एक्स, ये हमारी वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है जिससे हमने इसको रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या 2 वेरिएबल्स को हम सेम टाइम रिप्लेस किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है, उसके लिए हम सेल अरे का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, और जितने भी हमने सिंबॉलिक वेरिएबल्स डिफाइन किए थे उसको क्लियर आल कमांड से हम जो है वो
क्लियर कर देते हैं। अब कमांड विंडो आपकी क्लियर हो गई है, वर्क स्पेस भी क्लियर हो गई है, तो अब हम यहाँ पे न्यू वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे विच एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल्स। सपोज ए एंड बी, ये हमारे सिम्बॉलिक वेरिएबल्स हैं, तो हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, सपोज उसे वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक्सप्रेशन जो है वो हमारी एक्स प्लस वाई एंड इंटू स्टैटिक। अगर हमने सिम्बॉलिक वेरिएबल्स ए और बी डिफाइन किए हैं तो हमें अपने एक्सप्रेशंस को भी इन्हीं वेरिएबल्स में लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू स्टैटिक बी। ये हमारी वो सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन आ गई जो कि एक वेरिएबल वी के में स्टोर कर दी है मैटलैब ने। अब अगर हम दोनों वेरिएबल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं ए की कमांड के अंदर, तो मैंने अभी बताया कि हमें सेल एरे को यूज़ करना पड़ेगा। सेल एरे क्या होती है, वो किस तरह वर्क करती है, उसको हम देख लेते हैं अभी। सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशंस, जो सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन है उसे हमने वी से रिप्रेजेंट किया है, उसको लिखा जाएगा। देन फिर हम, ये हमारी सेल एरे बन जाएगी, इसमें जो सिम्बॉलिक वेरिएबल्स हैं ए और बी हैं, तो हम यहाँ पर ए और बी वो वेरिएबल लिखेंगे जिनको हमने रिप्लेस करना है, और फर्दर हम सेल एरे लिखेंगे। अब हमने इन वेरिएबल को किससे रिप्लेस करना है, सपोज ए को हमने रिप्लेस करना है 2 से और बी को रिप्लेस करना है हमने 3 से, तो ये लिखेंगे। अब हमारे पास ये ए और बी जो है ये हमारे ओल्ड सिम्बॉलिक सिंबल्स हैं और ये हमारी न्यू वैल्यूज़ हैं। ये सिंटैक्स जो है ओल्ड जो सिम्बॉलिक हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको न्यू वैल्यू 2 और 3 से रिप्लेस कर देगा, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 10 आ गया। सिमिलरली हम किसी भी वेरिएबल से भी रिप्लेस किया जा सकता है उन्हें। सपोज सब्स्टिट्यूट सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन को लिखें, देन सेल अरे को डिफाइन करें, वेरिएबल्स ए और बी हैं हमारे पास, ए और बी हैं तो उनको लिखेंगे, फिर किससे हमने रिप्लेस करना है। सपोज हमने इनको सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन से ही रिप्लेस करना है, ए जो है ए प्लस बी से रिप्लेस हो जाए, एंड देन बी जो है वो ए प्लस बी और उनके स्क्वायर से रिप्लेस हो जाए, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सिम, अब हमने दो वेरिएबल्स को एक ही कमांड के अंदर हमने उनको न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, हमने उनको न्यूमेरिकल वैल्यू से भी रिप्लेस किया और हमने उनको सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन से भी रिप्लेस किया। नो द क्वेश्चन इज दैट, अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, सपोज ए बी और एक वेरिएबल सी इन्वॉल्व है, तो क्या उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है। ये सेम टेक्निक है, आप सेल अरे से ही करेंगे। हम देखते हैं अगर वेरिएबल 3 इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर जो सब्स्टिट्यूशन सिंटैक्स है इसे किस तरह लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम कमांड विंडो को क्लियर कर देते हैं। वर्क स्पेस विंडो जो है उसे हम क्लियर आल कमांड से रिप्लेस कर देते हैं, तो अब वर्क स्पेस भी क्लियर होगी और जो कमांड विंडो है ये भी क्लियर होगी। कमांड विंडो को सी एल सी कमांड से क्लियर किया गया, वर्क स्पेस को क्लियर आल की कमांड टाइप करके उसको क्लियर कर दिया गया है। अब हम यहाँ पे सिम्बॉलिक वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, सपोज एक्स वाई एंड टी, 3 हमारे पास सिम्बॉलिक वेरिएबल्स हैं। अनडिफाइन, अब यहाँ पे एक एरर आ गया, एरर जो है वो क्या आया हम देखेंगे। अनडिफाइंड फंक्शन और मेथड सम्स फॉर इनपुट आर्गुमेंट्स ऑफ द टाइप, यानी ये जो हमने सिंटेक्स लिखा है ये अनडिफाइंड है। रीज़न इज डैट कि सम्स नहीं, हमने यहाँ पे एस वाई एम एस लिखना था, तो हम इसे क्लियर करते हैं। और सिम्बॉलिक वेरिएबल्स हमने डिफाइन करने एक्स वाई एंड टी, ये हमारे पास सिम्बॉलिक वेरिएबल्स हो गए। देन डेफिनेटली हम सिम्बॉलिक एक्सप्रेशंस को डिफाइन करेंगे, सपोज डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स इंटू टी एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस टी क्यूब एंड इंटू ए इंटू एक्स। देन ये हमारी सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन आ गई जो कि एक वेरिएबल डब्ल्यू के अंदर स्टोर है, एक्स इंटू टी क्यूब प्लस एक्स इंटू टी प्लस वाई स्क्वायर। देन सेम टेक्निक ये है, अगर जब भी आपने मल्टीपल वेरिएबल्स को डील करना हो तो आपने सब्स्टिट्यूशन कमांड जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करनी हो तो आप सेल अरे को यूज़ करेंगे। सेल अरे किस तरह वर्क करती है विद सब्स्टिट्यूशन कमांड वो हम देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स एंड देन राइट द एक्सप्रेशन, आपने एक्सप्रेशन को लिखा जो कि डब्ल्यू से रिप्रेजेंट की गई है। देन आप सेल अरे डिफाइन कर लें, किस किस वेरिएबल्स को रिप्लेस करना है, आपने एक्स को करना है, वाई को करना है एंड थर्ड वेरिएबल टी को करना है, फिर कॉमा एंड सेल अरे को डिफाइन कर लें। और अब अपने किस किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, सपोज एक्स को 1 से रिप्लेस किया जाए एंड वाई को 2 से रिप्लेस कर दिया जाए और टी को 1 से रिप्लेस कर दिया जाए। इंटर की को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है एक न्यूमेरिकल आंसर 6 आ जाएगा।
लेकिन सपोज आप जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिप्लेस करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि इसे किसी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से ही रिप्लेस किया जाए, यानी आपकी नीड इस तरह की है कि आप किसी वेरिएबल को किसी भी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से ही रिप्लेस करें, तो उसके लिए भी जो सिंटेक्स है वो सेम वर्क करेगा, सिर्फ आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज की जगह पर कोई सिम्बॉलिक वेरिएबल्स ही लिखना होगा. फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट डब्ल्यू, सेल अरे को डिफाइन कर लें, आपके पास एक्स है, वाई है एंड टी है. देन फर्दर आप रिप्लेस करना चाहते हैं एक्स को, सपोज आप एक्स को ए से रिप्लेस करना चाहते हैं, वाई को आप एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करना चाहते हैं, और टी को आप टी रेज़ टू पावर फोर से रिप्लेस करना चाहते हैं. तो जब आप इसे रन करेंगे तो ये आपको एरर देगा. डेफिनेटली रीज़न इज़ दैट कि आपने ये जो ए है ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब कोई आपके पास स्क्वेलर नंबर है, आपने उसे डिफाइन नहीं किया, मैटलैब इसे रीड नहीं कर पाया. अगर आप इसे किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो ये इसे रीड कर देगा, लेकिन अगर आप इसे एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल डील करना चाहते हैं तो आपको इसको एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल ही डिफाइन करना पड़ेगा. वो आप किस तरह करेंगे, हम इस कमांड को एडिट करते हैं. एडिट करने के लिए आप अप एरो अप कीबोर्ड के ऊपर है उसकी को प्रेस करें तो ये यहाँ पर रीडिस्प्ले हो जाएगी. तो यहाँ पर अगर हमें ए को जो है वो सिंबॉलिक वेरिएबल्स ट्रीट करूं तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्या ये एरर रिमूव हो जाता है या नहीं होता. ए को जब आपने सिंबॉलिक वेरिएबल ट्रीट किया है तो फिर ये देखते हैं, अब इसने इसको रीड कर लिया क्योंकि मैंने ए को यहाँ पे एज ए सिंबॉलिक नंबर जो है वो मैटलैब्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि इसे एज ए सिंबॉलिक नंबर रीड करे, तो अब मैटलैब ने इसे रीड कर लिया. तो इस तरह है कि आप मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, आप एक वेरिएबल को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप टू वेरिएबल्स को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. नो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम डिस्कस करते हैं, यानी अभी हमारे पास जो सिम्बॉलिक वेरिएबल्स थे हमने उनको रिप्लेस किया नंबर से और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से ही. क्या हम किसी स्क्वेलर नंबर को लाइक एक्स वाई टी और ए है, क्या हम इनको किसी मैट्रिक्स से या किसी अरे से रिप्लेस कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम कर सकते हैं. सपोज हमारे पास एक सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं, सपोज करते हैं ए एंड टी है, ठीक है. हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं इसे बी से, सपोज वो 3x3 का मैट्रिक्स है, कैपिटल बी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं मैजिक 3, इन 3x3 का मैट्रिक्स होगा ये. अब हम जो एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन डिफाइन करें, उस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के अंदर जो स्क्वेलर नंबर होगा सपोज अगर वो ए है, तो ए को हम जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, या जो टी सिंबॉलिक वेरिएबल है उसको हम इस मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ई एक्स पी जो मैटलैब के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल अब ई रेज़ टू पावर एक्स लिखते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसे मैटलैब के अंदर ई एक्स पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे वो जो उस एक्सपोनेंशियल ई की जो पावर होगी वो यहाँ पे वो लिखी जाएगी. सपोज करते हैं वो हमारे पास ए स्टेरिक टी है, ए और टी का प्रोडक्ट है सपोज कर लेते हैं, और हम इसमें प्लस वन को ऐड कर देते हैं, तो हमारी जो सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन है वो ई रेज टू पार ए और टी का प्रोडक्ट, मीन ई रेज टू पार ए टी और प्लस वन होगी. अब हम स्क्वेलर नंबर ए को इस मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे क्या, और वो किस तरह किया जा सकता है. सेम सिंटेक्स है, सब्स्टिट्यूशन कमांड को आप यूज़ करेंगे. सबसे पहले आप वो लिखेंगे, आपके पास जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है जिससे आपने उसे शो किया है वो लिखी जाएगी. देन आफ्टर डैट आप वो जिस वेरिएबल्स को आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसको टाइप करेंगे, देन कॉमा, और जिस मैट्रिक्स से रिप्लेस करना चाहते हैं आप उस मैट्रिक्स को लिख देंगे. तो अगर आप इसे रन करेंगे तो आप ये देखें ये 3x3 मैट्रिक्स अरे में कन्वर्ट होगी, जिसमें लास्ट एंट्री जो है वो हर कॉलम के अंदर 1 1 है. तो हमने स्क्वेलर नंबर ए को रिप्लेस कर दिया एक मैट्रिक्स के साथ. सिमिलरली आप टी को भी रिप्लेस कर सकते हैं. अब अगर एरो की को यूज़ करें और यहाँ पे एक जगह पे आप टी लिख दें तो ये उसको भी उसने रिप्लेस कर दिया. और इसी तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं जिसमें इस मैजिक मैट्रिक्स के ज़रिए आप किसी भी स्क्वेलर नंबर को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे. इस मैजिक मैट्रिक्स के अलावा भी आप और मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ले लें या ख़ुद से कोई 2x2 का या 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स जो है वो आप डिफाइन कर लें तो ये उस पर वर्क कर जाएगा. नेक्स्ट,
तो अभी हमने डिस्कस किया कि सिंगल सब्स्टिट्यूशन किस तरह पॉसिबल है, फिर हमने मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन स्केलर्स को किसी अरे के साथ किस तरह रिप्लेस किया जाता है उसको डिस्कस किया। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन कमांड किस तरह वर्क करती है हमने उसको डिस्कस किया। सिमिलरली हम इक्वेशंस को भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और या कोई आपके पास अल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं, सपोज अगर नॉन लीनियर इक्वेशन भी अल्जेब्रिक आ जाती हैं तो उनके वेरिएबल्स को भी आप कोई ना कोई वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस कमांड को फर्दर एक्सटेंड कीजिएगा, आप देखिएगा कि ये कमांड कहाँ कहाँ किस तरह अप्लाई होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 2 मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, उनकी वर्किंग को हमने ऑब्जर्व किया, हमने सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया, देन फिर हमने सब्स्टिट्यूशन कमांड फॉर सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को डिस्कस किया, एट द एंड हमने एरर इन इनपुट को देखा और फिर हमने देखा कि उस एरर्स को हम किस तरह हैंडल करते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस आपके हैंडआउट्स में अवेलेबल हैं, उनको आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे और उन पर हम जो कमांड्स हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आपके पास एक सर्कल है, यू नो सर्कल का एरिया जो है वो हम पाई आर स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं, आर इज़ अ रेडियस एंड पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। सपोज अगर आर 2 है, एट आर इक्वल टू 2 सर्कल का जो एरिया है वो क्या होगा? तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे किस तरह हैंडल करेंगे? आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, हमें क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली इसमें एक सिम्बॉलिक वेरिएबल होगा आर, जिसको हम बाद में जिसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे उसे हम एज ए सिम्बॉलिक डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिम्बॉलिक वेरिएबल आर को डिफाइन कर लेते हैं एंड देन फिर हम सिम्बॉलिक एक्सप्रेशंस को डिफाइन करते हैं, पाई इंटू स्टैरिक इंटू आर एंड इंटू आर स्क्वायर, ये हमारी सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन होगी। अब हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना है और वो हमने उस टाइम फाइंड करना है जब उसका रेडियस जो है वो 2 हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेफिनेटली आर की जगह पे 2 हम सब्सिट्यूट करेंगे, तो उसके लिए हम सब्सिट्यूशन कमांड को यूज़ कर लेंगे, सब्सिट्यूट एक्सप्रेशंस एंड देन जिस वेरिएबल्स को रिप्लेस करना है देन हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। अब यू नो पाई इज़ इरेशनल नंबर, तो हम इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को अप टू 15 डिजिट्स अप टू 30 डिजिट्स भी देख सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू यूज़ अ VPA कमांड इफ़ वी वांट द अप्रोक्सीमेशन अप टू 30 डिजिट्स, तो उसके लिए हमें VPA कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इस कमांड को एडिट कर लेते हैं, जो जो सब्स्टिट्यूशन की कमांड है उसके लिए हम एरो की को यूज़ करेंगे एंड देन VPA parentheses brackets then type comma there and then up to digits, जितने digits आपको require हैं तो आप उसको उसकी approximation जो है वो वहाँ तक देख सकते हैं। Similarly हमारे पास कुछ और exercises हैं, for example अगर हम expand करना चाहते हैं, चीज़ों को factorize करना चाहते हैं, simplify करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करें? एक्सपेंशन के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं और फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है वो हैंडआउट्स के अंदर है, वहाँ से उनको देख लीजिएगा, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास कोई एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में एक स्क्वायर नंबर है, उस स्क्वायर नंबर को आपने किसी अरे से रिप्लेस करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स हैं, सपोज वो एक्सप्रेशन हम उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू ए इंटू टी एन प्लस 4, देन दिस इज़ योर एक्सप्रेशन, सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन। अब इसमें एक स्क्वेलर नंबर ए है, आपने उसको एक 3x3 मैट्रिक्स से रिप्लेस करना है। सपोज उस मैट्रिक्स को आप डिफाइन कर लें बी एंड मैजिक, सपोज हम 4x4 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3x3 को हमने पहले डिस्कस किया था, हम 4x4 का मैट्रिक्स से लेते हैं। तो हमने इस स्केलर नंबर को 4x4 मैट्रिक्स से रिप्लेस करना है, डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन कमांड को यूज़ करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स और फिर जो आपकी एक्सप्रेशन है उसको टाइप करें, डेफिनेटली उसको यू से रिप्रेजेंट किया गया है, देन जिस स्क्वायर्स को आपने लिखना है वो लिखते हैं एंड देन फिर वो मैट्रिक्स जिससे रिप्लेस करना है आपने। तो ये आपके पास एक स्क्वायर नंबर है वो एक 4x4 की अरे से रिप्लेस हो गया, तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, सपोज आपसे कह दिया जाए सिम्बॉलिक वेरिएबल एक्स, एक एक्सप्रेशन यू एंड रिप्रेजेंटेड यू एंड एक्स प्लस वाई एंड रेस टू पर 100, तो इसको आपने एक्सपेंड करना है। एरर अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे हमने जो है वो वाई को डिफाइन नहीं किया है कि वाई हमारा क्या है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ सिम्बॉलिक वेरिएबल। तो हम इस कमांड को एडिट कर लेते हैं, एडिट करने के लिए आप एरो अप की को यूज़ करेंगे तो ये रीप्रिंट हो जाएगी और देन फिर हम इस कमांड को भी एरो अप की से
देख सकते हैं, तो ये हमारी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होगी। अब इसको हमने एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड यू एंड देन ये इसकी एक्सपेंशन आ गई। तो आप इसके एक्सपेंशन को क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसका सिंप्लीफाइंग रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई कमांड यूज़ कर दें, देन ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई। मैटलैब मैक्सिमम इसे कहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकता था, तो उसने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। फर्दर आप इन कमांड्स को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कीजिएगा, इंटरनेट से सर्च कीजिएगा, रिकमेंडेड बुक को कंसल्ट कीजिएगा, मैटलैब की जो अपनी हेल्प है उससे कंसल्ट कीजिएगा, और इस लेक्चर्स को आप डिफरेंट एंगल से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई नई टेक्निक पता चले, इसमें कोई नई चीज़ पता चले, तो देन काइंडली उसे मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा जो नॉलेज है मैटलैब के बारे में वो भी फ्रेश हो सके, मैं भी कुछ नई चीज़ सीख सकूँ। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बारे में जो फीडबैक है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं imrantalib@theRateOfVU.edu.pk। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ theRateOfVU.edu.pk। आप मुझे यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं। आप ओके, टेक केयर ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।